Hello viewers, I welcome you to GIRI Classes. Today is the fourth video lecture regarding how to use your calculator in your examinations like IIT JAM and IIT GATE. In previous three lectures, हमने ये डिस्कशन किया था कि कैलकुलेटर को कैसे यूज किया जाए प्रॉब्लम के साथ, न्यूमेरिकल के साथ और वैरायटीज ऑफ फंक्शन के साथ. आज हमारे पास जो फंक्शंस हैं वो है, वो आखिरी की जो फंक्शंस हैं जो बचे हुए हैं इस कैलकुलेटर को यूज करने के लिए, वो है हाइपरबोलिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन. तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो सेक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन से. मान के चलो मेरे पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन कुछ इस तरीके से y to the power n is equal to x. अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं लॉगरिथम में कन्वर्ट करूंगा. किस में कन्वर्ट करूंगा? लॉगरिथम में कन्वर्ट करूंगा. जब इसको लॉगरिथम में कन्वर्ट करूंगा, जो राइट हैंड साइड है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा log x, और आपके जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कुछ ऐसे दिखेगा, ये होगा y. ठीक है, पहले क्या फॉर्म था? पहले था पावर फॉर्म था, और उसको हम बोल सकते हैं कि एक्सपोनेंट फॉर्म था. ये जो फॉर्म में बदला इसको बोलेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म. ध्यान देना इस इक्वेशन को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अभी. इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पावर फॉर्म, और इसको क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट फॉर्म. ओके, ये कौन सी फॉर्म में बदला? ये बदला लॉगरिथमिक फॉर्म में. ओके, अब देखने क्या होता है. यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो x था, x जो था, हमने x को किस में बदला? x को बदला log s में. तो इसको बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे, इस इक्वेशन को logarithmic of x with respect to base y. तो y क्या है हमारा? y है बेस. ये बन गया क्या हमारा? ये बन गया बेस, ये बन गया हमारा बेस. और ये क्या था? ये क्या था? ये था हमारा पावर, ये था हमारा पावर. तो जो पावर की वैल्यू होगा, जो पावर की वैल्यू होगा वो क्या होगा, जब हम बदलेंगे किस में, जब आप लॉगरिथमिक इक्वेशन में बदलेंगे तो वो फॉर्म कैसे बदलेगा? वो फॉर्म ऐसे बदलेगा, पावर इज इक्वल टू, दैट मीन्स एन इज इक्वल टू लॉग एस विथ रिस्पेक्ट टू बेस वाई. अब बात करते हैं हमारे जो कैलकुलेशन की जो फंडे हैं उसमें बात करेंगे. देखो मैं इसको चार तरीके से डिवीजन करूंगा, 1, 2, 3 एंड मेरे पास ये है एक 4. चार फॉर्म में इसको डिवीजन करूंगा. देखो पहला फॉर्म क्या है मेरा, यहां पे लिख लेता हूं, बेटर होगा. ठीक है, अब देखो क्या करता हूं मैं. देखो ये क्या हुआ, ये मेरे पास बेस है. ठीक है, ये मेरे पास बेस है. बेस कौन है मेरा? बेस है मेरा वाई, है मेरा क्या? बेस. अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मान के चलो ये वाई इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूं, वाई को लेता हूं मैं 10 लेके चलता हूं, और मान के चलो यहां पर वाई ई है, और मान के चलो ये वाई है 2, और मान के चलो ये सिर्फ वाई है, मतलब वाई नॉट इक्वल टू 2 है, 2 नहीं है, कोई और वैल्यू है. ठीक है, जब बेस 10 होगा, जब बेस 10 होगा तो उसको कैसे लिखूंगा मैं? उसको मैं ऐसे लिखूंगा log बेस 10 x, इसको कैसे लिखूंगा? log बेस e x, इसको कैसे लिखूंगा? log बेस 2 x, और इसको कैसे लिखूंगा? log बेस y एंड x. ठीक है, अब देखो जब हमारा बेस 10 होगा उसको क्या बोलेंगे, और जब बेस e होगा उसको क्या बोलेंगे? जब बेस e होगा उसको बोलेंगे हम नेचुरल लॉगरिथम. और जब बेस 10 होगा उसको बोलेंगे क्या? कॉमन लॉगरिथम. उसको क्या बोलेंगे? कॉमन लॉगरिथम. फंडा यहीं से शुरुआत होती है. देखो हमारे पास जो कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में जो रिप्रेजेंटेशन है, जो गेट वाले कैलकुलेटर है, तो उसमें क्या लिखा जाएगा? देखो गेट में जो कैलकुलेटर है, गेट वाले जो पोर्शन में है उसमें ये दिखेगा आपको लॉग, ऐसे दिखेगा. इसमें कैसे दिखेगा? लॉन दिखेगा. इसमें कैसे दिखेगा? लॉग 2x दिखेगा. और इसमें कैसे दिखेगा?
log बेस y x दिखेगा, ठीक है। इन चार में से क्या फंडे आपको निकल के आ रहे हैं? जब हमारा नेचुरल लॉगरिथम के बारे में बात करेंगे, मतलब जब हम बेस e के बारे में बात करेंगे, उस टाइम में जो रिप्रेजेंटेशन बनेगा लॉग का, उसको हम बोलेंगे किसमें? उसको हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेशन में लॉन में बदलेंगे उसको, उसको हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, वो लॉन में होगा। लेकिन जब कॉमन लॉगरिथम के बारे में बात करेंगे, मतलब उसकी बेस जब 10 होगा, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सिर्फ लॉग बोलेंगे, लेकिन इसको बोलेंगे लॉन बोलेंगे। यहां पर तो कोई कॉमन या नेचुरल कोई बेस नहीं है, यहां पर सिर्फ 2 है और इसमें कोई फिक्स नहीं है, इसको आगे बढ़ेंगे लेकर। तो ये क्या दिखेगा आपको? लॉग एक्स दिखेगा, ये लॉन एक्स दिखेगा, ये log 2x दिखेगा, ये log y x दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर बेस क्या है? 2 है, 2 है तो कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है। अब इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इसको कैसे लिख सकता हूँ? इसको log 2x लिख सकता हूँ, इसको मैं log y x लिख सकता हूँ, बात खत्म। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमारे पास x की वैल्यू है इन तीनों के लिए और हमारे पास इसके लिए x और y की वैल्यू है, तो उस टाइम में हम कैसे गेट की कैलकुलेटर यूज करके इसकी वैल्यू निकालेंगे? स्टेप वन में क्या करना होगा? देखो यहां पर क्या करोगे, यहां पर क्या टाइप करोगे? पहले क्या टाइप करोगे? टाइप करोगे x की वैल्यू, फिर उसके बाद क्या टाइप करोगे? टाइप करोगे लॉग। एक्चुअली ये लॉग x है, लेकिन हमारा रिप्रेजेंटेशन गेट वाले कैलकुलेटर में कैसा है? लॉग है। यहां पर क्या है? लॉन है। यहां पर क्या है? लॉग 2x है और यहां पर क्या है? लॉग yx है। रिप्रेजेंटेशन सेम है, अंडरस्टूड है, ये बेस 10 है, ये अंडरस्टूड है, क्या बेस e है, राइट। और देखो यहां पर क्या करोगे, तो फिर इसके बाद क्या करोगे? ये टाइप x करोगे, फिर लॉग करोगे, जो निकल के आएगा वो होगा आपका आंसर। यहां पर क्या टाइप करोगे? टाइप करोगे पहले क्या? पहले x की वैल्यू टाइप करोगे, फिर उसके बाद क्या टाइप करोगे? फिर टाइप करोगे क्या? ln टाइप करोगे, फिर उसके बाद आपको आंसर निकल के आ जाएगा। x जो होगा, जो गिवन वैल्यू, सपोज आपको निकलना पड़ेगा ln 10 का वैल्यू निकालो, क्या करोगे? 10 टाइप करोगे आपके किसमें? आपके गेट वाले कैलकुलेटर में, फिर उसके बाद क्या टाइप करोगे? ln टाइप करोगे, जो निकल के आएगा वो आपका आंसर है, टाइप करके देख लेना। यहां पर जो log 2x है, log 2x है, मतलब ये इसके लिए वैलिड है अगर आपके पास बेस 2 आ रहा है, अगर आपके पास बेस 2 आ रहा है और आपके पास x की वैल्यू है, तो आप इसको लेके आपके आंसर निकाल सकते हो। क्या करोगे यहां पर? टाइप क्या करोगे? x करोगे, फिर उसके बाद क्या टाइप करोगे? टाइप करोगे क्या? log 2x टाइप करोगे। सॉरी, यहां पर क्या टाइप करोगे? देखो इन तीनों में एक चीज कॉमन था, क्या कॉमन था? इन तीनों में बेस मेरे लिए फिक्स था। क्या बेस था? किसके हिसाब से? किसके हिसाब से? गेट के कैलकुलेटर के हिसाब से। लेकिन हमारे लिए यूनिवर्सली दो बेस फिक्स है, इसके लिए और इसके लिए। हमें पता है इसके लिए बेस 10 है और इसके लिए बेस ई है। लेकिन गेट कैलकुलेटर के हिसाब से अगर आपके पास 1, 2, 3, 4 टाइप का ऑपरेशन के लिए आपके पास फंक्शंस हैं, तो उसके लिए आपके पास तीनों के लिए नोन है, तीनों के लिए आपको पता है बेस की वैल्यू क्या है? 2 है और ये e है और ये क्या है? 10 है। लेकिन यहां पर बेस की वैल्यू पता नहीं है। इन तीनों में क्या चीज कॉमन था? इन तीनों में बेस कॉमन था, बेस आपको पता था, दैट मींस y की वैल्यू आपको क्या था? पता था। और s की वैल्यू तो सब में पता नहीं था, किसी इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। इसीलिए आप s की वैल्यू कुछ टाइप कर रहे हो, टाइप करो 10 हो, 15 हो, 10.2 हो, कुछ भी हो आप टाइप कर रहे हो, फिर उसके बाद क्या कर रहे हो? इस फंक्शन को दे रहे हो, फंक्शन देने के बाद आप क्या निकल के लेके आ रहे हो? आंसर निकल के लेके आ रहे हो इन तीनों में से, ठीक है, क्योंकि आपके पास बेस फिक्स है। लेकिन यहाँ पर तो बेस फिक्स नहीं है, यहाँ पर बेस फिक्स नहीं है और चारों में क्या फिक्स नहीं है? चारों में एक्स की वैल्यू फिक्स नहीं है, तो आपको टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करोगे? सॉरी, पहले टाइप करो x, फिर उसके बाद क्या टाइप करोगे? फिर उसके बाद ये टाइप करोगे log y x टाइप करोगे, फिर उसके बाद क्या टाइप करोगे? फिर उसके बाद टाइप करना क्या? फिर उसके बाद टाइप करना ये ब्रैकेट टाइप करना, फिर उसके बाद टाइप करना क्या? फिर उसके बाद टाइप करना y,
फिर उसके बाद टाइप करना क्या, फिर उसके बाद टाइप करना ब्रैकेट देना, फिर उसके बाद टाइप करना इक्वल, जो निकल के आएगा वो होगा आपका आंसर। यहां पर आपको आंसर निकल के आ रहा है। हमने ऐसा क्यों किया, देखो कंप्यूटर को एक्स के बारे में बिल्कुल पता नहीं है, कंप्यूटर हो या तो आपके आपके कैलकुलेटर हो, उसको एक्स के बारे में पता नहीं है। तो आपने पहले से ही क्या कर दिया, आपको पहले से ही आपने इसको क्या बोल दिया कि एक्स के वैल्यू मैं दे रहा हूं, कैलकुलेटर बोलेगा ओके, फिर उसको चाहे किसकी वैल्यू, वाई की वैल्यू चाहिए। यहां पर तीनों में क्या कॉमन था, वाई की वैल्यू पता था, इसीलिए आपको एक्स्ट्रा कोई ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा आपने इस सीधा आपने फंक्शन के टाइप किया इसकी तरह सब में, और डायरेक्ट आपको टू स्टेप में आंसर मिल गया। लेकिन यहां पे क्या कर रहे हो, आपको वाई के वैल्यू बताना पड़ रहा है कि मेरा वाई के वैल्यू ये है, ठीक है। तो आपने इसलिए क्या कि आपने यहां पर आपने कमांड किया, किसको कमांड किया, आपने आपके कैलकुलेटर को कमांड किया, क्या वाई के वैल्यू कमांड किया, इसीलिए आपको इस ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा वाई इसी अंदर। अगर ब्रैकेट नहीं दोगे तो फिर गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। तो आप कमांड दे रहे हो, आपने स्पेसिफिक जो वाई की वैल्यू आपको रिक्वायरमेंट है उसको आपने कमांड दे दिया, फिर इसके बाद इक्वल देने के बाद क्या निकल के आया, आपका आंसर निकल के आ गया। बस इतना ही फर्क है। तो जैसे कर सकते हो आप, टाइप करके देख लेना, लॉग 10 के निकाल के देखना, लॉग ln 10 निकाल के देखना, फिर लॉग 2 10 निकाल के देखना, फिर सपोज लॉग 3 10 निकाल के देखना, ठीक है। आप कर सकते हो आराम से, ऐसे करना है आपको, ठीक है। अब चलते हैं, आगे चलते हैं। वाई टू द पावर एन इज इक्वल टू एक्स जब था, आपने इसको लॉगरिथम में कन्वर्ट किया था, आपने इसको लॉगरिथम में जब कन्वर्ट किया था तो वो क्या निकल के आया था वैल्यू आपका, लॉग एक्स इज इक्वल टू क्या निकल के आया था, ये एन हमेशा आपका क्या है, पावर है, क्या है आपका, पावर है, और बेस क्या था आपका, वाई था, ठीक है। जब आपने चार टुकड़ों में इसको डिवीजन किया था, चार टुकड़ों में इसको डिवीजन किया था, वाई इज इक्वल टू 10 किया था, वाई इज इक्वल टू ई किया था, वाई इज इक्वल टू 2 किया था, और सिंपली वाई रखा था, ठीक है। देखो इसको हमने क्या बोला था, इसको बोला था पावर फॉर्म, और क्या बोला था, पावर फॉर्म, और इसको क्या बोला था, एक्सपोनेंट फॉर्म, एक्सपोनेंट फॉर्म, ओके। इसको क्या बोला था, इसको लॉग फॉर्म, इसको क्या बोला था, लॉग फॉर्म बोला था। देखो जब आपकी बेस 10 है, जब आपकी बेस 10 है उस टाइम में लॉग की जो रिवर्स फॉर्म है, रिवर्स फॉर्म है, मान के चलो यहां से आपने यहां तक मूव किया, ठीक है, इस वाले फॉर्म से इस वाले फॉर्म को मूव किया, किसके सहारे, लॉगरिथम के सहारे, एक्स को लॉग एस में कन्वर्ट किया विथ रेस्पेक्ट टू बेस वाई, तो इस वाले फॉर्म को क्या बोलोगे, लॉगरिथम फॉर्म बोलोगे। जब आप लॉगरिथम फॉर्म से वापस चलते हो किसके तरफ, पावर फॉर्म और आपका क्या, एक्सपोनेंट फॉर्म में चलते हो, उस वाले फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, उस वाले फॉर्म को बोलेंगे एंटी लॉग फॉर्म, एंटी लॉग फॉर्म, ठीक है, एंटी लॉग फॉर्म बोलेंगे। ध्यान रखना ये किसके लिए वैलिड है, ये इसके लिए वैलिड है जब बेस आपका 10 होगा, जब बेस आपका क्या होगा, 10 होगा, और इसके लिए वैलिड नहीं होगा क्योंकि इसकी बेस 10 नहीं है। इस वाले बात को, इस वाली बात को ध्यान रखना। तो एंटी लॉग क्या है, एंटी लॉग फॉर्म इज अ रिवर्स फॉर्म ऑफ लॉग फॉर्म व्हेन बेस इज 10। तो क्या लिखोगे यहां पर, यहां पर जो आपकी बेस बेस वाई होगा तो क्या लिखोगे, 10 टू द पावर एन इज इक्वल टू एक्स, ये होगा एंटी लॉग फॉर्म, ये होगा क्या, एंटी लॉग फॉर्म। लॉग फॉर्म क्या होगा आपका, लॉग एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एन, ये कौन सा फॉर्म है, ये लॉग फॉर्म है, इस वाली बात को ध्यान रखना। और इन चार में से एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन है, इन चार में से एक चीज कॉमन है, वो क्या है, y टू द पावर n इज इक्वल टू x है, किसके लिए, इस वाले वैल्यू के लिए, when when n इज इक्वल टू log बेस y x है, उसके लिए क्या है आपका, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू क्या होगा, y टू द पावर x की वैल्यू क्या होगा, y टू द पावर n, सब में, सब में।
तो ये फॉर्म चारों में कॉमन है, लेकिन यहां पर एक्स्ट्रा चीज क्या आ रहा है, यहां पर सिर्फ 10 टू द पावर n होगा, यहां पर क्या होगा e टू द पावर n होगा, यहां पर क्या होगा 2 टू द पावर n होगा, यहां पर क्या होगा y टू द पावर n होगा, लेकिन इसको बोलेंगे हम एंटीलॉग फॉर्म। सही बात। अगर आपको क्वेश्चन सपोज ऐसे आ जाए log 2 8, अब निकालो इसकी वैल्यू, ठीक है, अब देखो क्या करना है आपको, पुट करोगे क्या टाइप करोगे, टाइप क्या करोगे पहले, log 2 है क्या टाइप करोगे पहले, पहले टाइप करोगे क्या ये 8 टाइप करोगे, फिर उसके बाद क्या टाइप करोगे, टाइप करोगे log 2x टाइप करोगे, तो आंसर क्या निकल के आएगा 3 निकल के आएगा, देख लेना टाइप करके, ठीक है। अगर आपको सपोज निकालना होगा log 3 9 निकालना होगा, log 3 9 निकालना होगा, इसकी वैल्यू क्या होगा आपको पता है, पहले क्या टाइप करना है, पहले आपको टाइप करना है क्या, क्या टाइप करना है, पहले टाइप करना है 9, फिर उसके बाद क्या टाइप करना है, देखो यहां पर 3 है, आपको पता है अगर 2 होता तो डायरेक्टली log 2x टाइप करते, फिर यहां पर क्या टाइप करोगे, सीधा टाइप करना क्या ये वाले टाइप करना log y x टाइप करना, फिर उसके बाद क्या टाइप करोगे ब्रैकेट टाइप करोगे, फिर उसके बाद क्या टाइप करोगे y की वैल्यू दो 3, फिर उसके बाद क्या टाइप करोगे ब्रैकेट खत्म करोगे, है ना। फिर आप क्या करोगे, फिर यहां पर देखना ब्रैकेट खत्म होने के बाद क्या टाइप करना, ब्रैकेट खत्म होने के बाद क्या टाइप करोगे, टाइप इक्वल टाइप करोगे, इक्वल टाइप करने के बाद जो आंसर निकल गया वो क्या होगा, वो 2 होगा आपका। ये तो हम देख के भी बता सकते हैं, ये तो हम क्या कर सकते हैं, देख के बता सकते हैं, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है आपको पता है, जो यहां रिजल्ट निकल के आएगा, जो यहां रिजल्ट निकल के आएगा वो हमेशा क्या होगा पावर होगा, मतलब आपके एन होगा, है ना, आपको पता है ये क्या होगा, मतलब 3 का स्क्वायर, ये क्या है 3 का स्क्वायर, तो इसीलिए पावर हो रहा है क्या एन, मतलब आंसर क्या निकल के आएगा 2 निकल के आएगा, है ना, क्योंकि आपको पता है क्या 3 का स्क्वायर क्या होता है एन होता है, और सिंपली ऐसे लिख सकते हो एन इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, अगर एन इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हुआ तो log log n 3 log n विथ रेस्पेक्ट टू बेस 3 इक्वल टू वैल्यू क्या होगा, पावर होगा आपकी वैल्यू जो होगा n, यहां पर n n कर सकते हो, ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन अगर सपोज डेसिमल में आ जाए log ऐसे निकल के आ जाए, सपोज ऐसे क्वेश्चन आ जाए log 3 0.1, उस टाइम में क्या करो, उस टाइम में आप कर नहीं सकते, कैलकुलेटर की मदद लेना पड़ेगा। समझ में आ गया कैसे करना है, यही फंडा है। ये जो निकल के आया था ना x इजिकल टू वाई टू द पावर एन, x इजिकल टू वाई टू द पावर एन, ये क्लियर तो हो ना, जब 2 निकलेगा और 3 निकलेगा तब क्या करेंगे, तब क्या कर रहे थे हम लोग, एक्स स्क्वायर ले रहे थे टाइप के लिए, फिर क्या कर रहे थे एक्स क्यू ले रहे थे टाइप के लिए, अगर 2 3 नहीं होगा, सपोज 2 3 के अलावा कोई और होगा डेसिमल होगा या तो कोई और डिजिट होगा, तो उसके लिए क्या टाइप करते थे हम लोग, एक्स टू द पावर वाई टाइप करते थे, ये तो याद होगा ना इस वैल्यू को निकालने के लिए, है ना। चलो, और पावर, अगर पावर निकालना होगा तो फिर क्या टाइप करोगे, लॉग एक्स टाइप करना और यहाँ पर वाई की वैल्यू रेस्पेक्टिवली टाइप करना, ठीक है, ये करना था हमें। इसके लिए भी मतलब यहाँ पर दो प्रकार क्वेश्चन आएगा, या तो आपको एन निकालना पड़ेगा या तो आपको एक्स निकालना पड़ेगा, अगर एक्स निकालना पड़ेगा तो ये इसके लिए आपको ये 3 चाहिए, अगर आपको एन निकालना पड़ेगा तो इसके लिए कौन सी वैल्यू चाहिए, या तो लॉग चाहिए या तो लॉन चाहिए या तो लॉग 2x चाहिए या तो लॉग वाई एक्स चाहिए, ये चारों चाहिए टाइप करने के लिए, ठीक है ना। ये दोनों तो कॉमन है, सीधा हो जाएगा, लेकिन इसके लिए और एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ये तीनों तो सीधा हो जाएंगे लेकिन यहाँ पर क्या है बेस फिक्स नहीं है, इसके लिए और एक एक्स्ट्रा स्टेप चलना पड़ेगा। देखो, और एक क्वेश्चन करते हैं उस कॉन्सेप्ट को याद करके, जैसे कि सपोज ये आपका है क्वेश्चन log x 2/3 इज इक्वल टू -1/3, गेट 2015 का क्वेश्चन है, आप इसके आंसर निकालना पड़ेगा, इसके आंसर निकालो और क्या निकालोगे x क्या है। अब देखो ये किस फॉर्मेट में है, ये है log x फॉर्मेट में है, और आपको पता है ये कौन सी वैल्यू है, ये पावर की वैल्यू है, मतलब n है, आपको पता है बेस हमेशा क्या रहता है y है,
और आपको पता है जब आप y निकाल, आपको क्या निकालना है, y निकालना है, आपको क्या निकालना है, y निकालना है, आपको पता है y टू द पावर n इज इक्वल टू x है ना। तो क्या क्या निकालोगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या निकालोगे आप, पहले निकालो x क्या है आपका, x है 2/3, 2/3 इज इक्वल टू y, y क्या है आपका x है, x टू द पावर n क्या है आपका, ये है n आपका पावर, ठीक है। अब क्या करोगे देखो, अब इसकी रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि ये नेगेटिव में है, आपको नेगेटिव में नहीं चाहिए, आपको पॉजिटिव में चाहिए, आपको पॉजिटिव में चाहिए, मतलब पावर यहाँ पर क्या चाहिए आपको, पावर चाहिए वन। तो किसी भी तरह करके इसको एक्स टू द पावर वन करना है, ठीक है। उससे पहले क्या करना है, मतलब यहाँ कन्वर्ट किस में करना है, आपको एक्स टू द पावर वन में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, आप पहले स्टेप क्या करोगे, पहले स्टेप क्या करोगे, एक्स टू द पावर माइनस वन बाई थ्री को किस में बदलोगे, एक्स टू द पावर माइनस वन बाई थ्री को एक्स टू द पावर वन बाई थ्री में बदलोगे, फिर एक्स टू द पावर वन बाई थ्री को एक्स टू द पावर वन में बदलोगे, यानी कि आप एक्स में निकाल रहे हो, दैट इज योर क्या, एक्स निकाल रहे हो। तो एक्स टू द पावर थ्री को जब एक्स टू द पावर वन में बदलोगे कैसे करोगे, एक्स टू द पावर वन बाई थ्री, फिर उसके बाद और एक पावर दे देना, क्या होगा फाइनल वैल्यू, एक्स टू द पावर वन बाई थ्री इंटू थ्री, मतलब क्या है एक्स टू द पावर वन, यही करेंगे। चलो देखो क्या करते हैं, आप इसके रेसिप्रोकल कर देना, रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल कर देना, ओके रेसिप्रोकल कर देना, क्या होगा वन बाय टू बाई थ्री, फिर ये क्या होगा वन बाय एक्स टू द पावर माइनस वन बाई थ्री, ठीक है। अब ये क्या निकलेगा देखो, रेसिप्रोकल करने के बाद ये पलट जाता है, पलट जाएगा डिजिट, पलट जाएगा, क्या होगा थ्री बाई टू इक्वल टू, ये क्या होगा ऊपर जाने के बाद क्या होता है एक्स टू द पावर वन बाई टू हो जाएगा, आपको पता है ना वन बाई एक्स टू द पावर माइनस एन जब ऊपर चला जाता है वन बाई एक्स टू द पावर एन होता है, छोटे क्लास में पढ़े थे हम लोग जब हम स्कूल में थे, याद होगा ना ये बात, ठीक है। अब देखो मुझे मिल गया एक्स टू द पावर वन बाई थ्री, अब क्या करना है मुझे, अब क्या करना है मुझे एक्स टू द पावर वन बाई थ्री को एक्स टू द पावर वन करना है, तो मैं इसको क्यूब कर रहा हूँ, क्यूब कर रहा हूँ इसको, फिर इसके बाद क्या करूँगा थ्री बाई टू होल क्यूब किया। देखो हमें ये चीज़ ध्यान में रखना होगा, जो हम लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड साइड जो कि आपकी LHS है, LHS में जो करेंगे वो आपके राइट हैंड साइड में वही करना पड़ेगा ऑपरेशन, हमें पता है कि दोनों की साइड इक्वल करना पड़ेगा, नहीं तो वो ऑपरेशन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले हमने ऑपरेशन क्या किया, यहाँ पर पहले ऑपरेशन किया रेसिप्रोकल, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को किया, फिर उसके बाद इस वाले फैक्टर्स में क्या किए हमने, हमने इसको क्यूब में बदला, तो लेफ्ट हैंड साइड में किया और राइट हैंड साइड में किया, उसके बाद क्या निकलेगा यहाँ पर आंसर देखो क्या निकलेगा, थ्री टू द पावर थ्री, इसके लिए कैलकुलेटर यूज़ मत करना क्योंकि ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में आंसर था गेट में, ठीक है ना। तो क्या करोगे वन बाई थ्री इंटू थ्री कट जाएगा, ये क्या निकल के आएगा थ्री का क्यूब निकल के आएगा क्या 27, ये क्या निकल के आएगा 27, ये क्या निकल के आएगा 8, ये क्या निकल के आएगा फाइनल 27/8, ये हो गया आपका क्या आंसर। तो इसकी एप्लीकेशन यहाँ तक थी। अब आप गेट में जो आपके जो कैलकुलेटर है उसमें हम स्टोरी आगे बढ़ाएंगे, कौन सी, हाइपरबोलिक फंक्शन के साथ, हाइपरबोलिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन में आपका क्या निकल का आएगा, जैसे कि आपके पास साइन एच है, कॉस एच है, और उसके बाद क्या है टैन एच है, और इसकी इन्वर्स है, इसकी इन्वर्स भी है, क्या है साइन इन्वर्स एच है, फिर कॉस इन्वर्स एच, फिर क्या है टैन इन्वर्स एच। देखो ये सारे टिपिकल मैथमेटिकल है, ये एग्जाम एग्जाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा, ठीक है, तो इसको लेकर टेंशन मत होना। और उसके बाद मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पर एम सी है और एम आर है, फिर उसके बाद एम एस है, फिर उसके बाद एम प्लस है, फिर उसके बाद एम माइनस है, ये सारे वेराइटीज़ ऑफ मोड्स हैं, ये सारे वेराइटीज़ ऑफ मोड्स हैं, कोई ज़रूरत नहीं है हमें इसको पढ़ने के लिए, ठीक है। अब शुरू करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, राइट। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए आपको ये चाहिए, क्या चाहिए आपको, साइन कॉस टैन और साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टैन इनवर्स चाहिए। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा दो चीज़ें, क्या दो चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, मोड, क्या देखना पड़ेगा अभी आपको, अभी देखना पड़ेगा मोड,
एक होगा डिग्री, दूसरा होगा क्या रेडियन, एक होगा क्या डिग्री, दूसरा होगा क्या रेडियन। ओके, तो इसके लिए आपको क्या क्या दिखेगी शॉर्ट फॉर्म में, ये दिखेगी आपका डीजी और ये दिखेगा आपका आरएडी, ये एक होगा बॉटम। बाय डिफॉल्ट ये होगा बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट मतलब जब आप कैलकुलेटर ओपन करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये दिखेगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये दिखेगा। जैसे आपके पास जब डिस्प्ले बार होगा बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 00 दिखेगा, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 00 दिखेगा टाइपिंग बार और आपके रिजल्ट बार में। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले इसको मिटाना पड़ेगा, हमेशा स्टार्टिंग यही करना होता है, हमें रूल करना पड़ता है क्या, हमेशा ये क्लियर बटन दबाना होता है, क्लियर बटन दबाना होता है इसको हटाने के लिए, ताकि हम कुछ टाइप कर सकें, पहली बात। दूसरी बात, हम क्या बोलते हैं, मोड को देखना पड़ेगा। जब हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में बात करेंगे तो मोड को देखना पड़ेगा, या तो डिग्री में देखेंगे या तो रेडियन में देखेंगे। अगर रेडियन में देखेंगे तो इसको हटाकर इसमें आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसमें रहेगा। ओके, बाय डिफॉल्ट किस में रहेगा, डिग्री में रहेगा। ओके, दूसरी चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सपोज आपने 101.325 आपने टाइप किया, सपोज उसको आपको मल्टीप्लाई करना था 5 के साथ, मल्टीप्लाई करना था 5 के साथ, तो आपने क्या किया, सपोज आपने गलती से 101.326 कर दिया, फिर उसके बाद आपने फंक्शन दे दिया मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन के लिए, क्या आप इसको इरेज कर सकते हो? इरेज करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ये इरेज कर सकते हो या तो ये कर सकते हो, ये कर सकते हो या तो ये कर सकते हो, कौन सा करोगे? ये करोगे तो पूरा मिट जाएगा, ये करोगे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने यहाँ पर क्या अप्लाई कर दिया, फंक्शन अप्लाई कर दिया, ये तब तक अप्लाई नहीं होगा जब तक आपके पास फंक्शन होगा। अगर आपके पास ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो क्या करोगे, इस इरेज बटन को टाइप करना, इस इरेज बटन को टाइप करने के बाद ये हट जाएगा, फिर उसके बाद आप टाइप कर सकते हो 5। ये बात ध्यान रखना हमेशा, तो हमेशा जब भी कैलकुलेशन करना होगा पूरा ध्यान रखना कि आप क्या लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे हो, उससे पहले इस क्लियर बटन को दबा देना, नहीं तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। और ये था थर्ड टिप्स आपका, उसके साथ फोर्थ टिप्स के बारे में बात करूंगा। वो फोर्थ टिप्स ये है कि जब आप कैलकुलेशन करते हो उस टाइम में ज़्यादा ध्यान इस पे रखना कि आप स्टार्टिंग ब्रैकेट और एंडिंग ब्रैकेट दे रहे हो, ये चार चीज़ के ऊपर हमेशा ध्यान रखना। अगर चार चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं रखते हो तो कैलकुलेशन बिल्कुल मत करना, ठीक है। चलो तो चलो आगे चलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं मान के चलो, सपोज साइन क्या करता हूँ, साइन लेता हूँ क्या, सपोज साइन मुझे निकालना होगा, साइन 90 डिग्री की वैल्यू निकालना होगा, या साइन 30 डिग्री या साइन 60 डिग्री, आपकी मर्जी। मान के चलो मैंने साइन 30 डिग्री वैल्यू निकालना होगा, तो क्या करोगे, आपको पता है पहले क्या करते हो, पहले आप डिग्री टाइप करते हो, मतलब अगर डिग्री में है तो क्या टाइप करोगे 30, उसके बाद क्या टाइप करोगे साइन टाइप करोगे, तो यहाँ पर ऐसे दिखेगा साइन डी 30.0। यहाँ पर हमेशा याद रखना, हम जो पढ़ के आ रहे हैं कि साइन 30 इक्वल टू 1/2, ऐसे नहीं दिखेगा, कैसे दिखेगा 0.5 में दिखेगा, क्योंकि वो एग्जैक्ट वैल्यू देता है आपको, और आपको वो न्यूमरेटर बाय डिनोमेटर में नहीं देगा, आपको न्यूमरेटर बाय डिनोमेटर में नहीं देगा, किस में देगा डेसिमल में देगा, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के देगा, वो सॉल्व करके देगा। ये क्या है, ये मेरा डिग्री में है, ये क्या है, ये मेरा डिग्री में है। अब क्या करते हैं, इसकी इन्वर्स की तरफ चलते हैं, इसकी इन्वर्स की तरफ चलते हैं, मतलब आपको पता है जब मेरा साइन 30 1/2 था तो इसकी इन्वर्स करूँगा ऐसे, साइन इन्वर्स 1/2 इक्वल टू वैल्यू बता, तो क्या करोगे, आपको पता है 1/2 आपके पास है, तो क्या करना टाइप, 1/2 करना, 1/2 मत करना, क्या करना 0.5 करना, बताया था तो 1/2 नहीं दिखता है, यहाँ पर क्या दिखता है 0.5 दिखता है, तो क्या करना टाइप 0.5 टाइप करना, तो पहले क्या टाइप करना 0.5 टाइप करना, फिर उसके बाद क्या टाइप करोगे साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, तो क्या निकल के आएगा ए साइन डी 0.5, आंसर उसके साथ क्या निकल के आएगा 30.0। ओके, जब आप इनवर्स निकालते हो तो आपके पास ये एक्स्ट्रा ए सिंबल आएगा, ये ध्यान रखना, कहीं गलती से साइन की जगह इनवर्स ना टाइप कर देना, तो ये बन गया आपका 30। अब आते हैं रेडियन पे, जब रेडियन पे आओगे इस बाय डिफॉल्ट को हटा कर क्या करोगे, यहाँ पर रख दोगे, यहाँ पर रख दोगे, तो क्या करोगे अभी, अभी क्या करना है, सपोज मान के चलो आपके पास 30 डिग्री है,
आपके पास 30 डिग्री है, आपको पता है रेडियन के लिए आपको पाई चाहिए। ओके मैं थोड़ा बता देता हूँ रेडियन कहाँ पे यूज करते हो। मान के चलो एक आर्क है, उसके एंगल निकालते हो तो उसके लिए रेडियन अच्छा होता है, लेकिन डिग्री जो है आप क्या कर सकते हो, एंगल निकाल सकते हो, सर्कल का, स्पीयर का, सबका निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर स्पेशली आर्क के निकालते हो, तो ये इस पार्ट में नहीं जाते हैं, ये थोड़ा मैथमेटिकल ज़्यादा पोर्शन हो जाएगा, तो इस पार्ट में नहीं आते हैं। ठीक है, अब पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू आपको पता है 180 डिग्री है, और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, ये तो डिग्री में हो गया, डिग्री में हो गया, लेकिन आप इसमें टाइप करोगे, अगर आप इसमें टाइप करोगे तो आपको आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा 3.41 से समथिंग, तो मतलब अगर मैं कैलकुलेट करूँगा इसके राउंडिंग अप करके तो अप्रोक्सीमेटली क्या वैल्यू निकल के आ रही है 3.14, लेकिन हमें डिग्री में चाहिए। अगर आपको 30 डिग्री निकालना हो तो क्या करोगे टाइप, 5/6 क्या करोगे, 5/6, तो यहाँ पर क्या टाइप करोगे, साइन 5/6 का वैल्यू बताओ क्या है। तो इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट रेडियन में डिग्री में से हटाकर इसको किस में बदलोगे, रेडियन में बदलोगे, ये जो बबुल है। उसके बाद क्या टाइप करना, पाई, पाई डिवाइडेड बाय 6, फिर उसके बाद इक्वल देना, क्या टाइप करोगे, पहले पाई टाइप करना, फिर उसके बाद क्या करना, डिवीजन सिंबल देना, फिर उसके बाद क्या टाइप करना, 6 सिंबल देना, फिर उसके बाद क्या करना, इक्वल देना, फिर उसके बाद टाइप करना क्या, साइन टाइप करना, फिर उसके बाद क्या टाइप करना, साइन टाइप करना, उसके बाद आपको दिखेगा ये साइन डी 0.52 समथिंग डिवाइडेड बाय 0.0091। जैसे मैंने यहाँ पर गलती कर दिया, ऐसे मत कर, ऐसे गलती मत करना, क्योंकि मैंने डिग्री से बाय डिफॉल्ट रेडियन में कन्वर्ट नहीं किया था, मैं आपको दिखाने के लिए ऐसे बोल रहा था। ठीक है, एक्चुअल में क्या करना पड़ेगा, पहले आप रेडियन में बदलो, रेडियन में करने के बाद क्या करोगे, रेडियन में करने के बाद यहाँ पर टाइप करना क्या, ये सारे टाइप करना है, ये सारे टाइप करने के बाद आपको दिखेगा कुछ ऐसे पाई बाय 6 इक्वल, फिर उसके बाद क्या टाइप करोगे, साइन टाइप करना, साइन टाइप करने के बाद आपको ये दिखेगा, जब ये दिखेगा साइन आर, फिर उसके बाद 0.523 ऐसे दिखेगा, ये किसके लिए है, ये पाई बाय 6 के लिए वैल्यू निकल के ये आ रहा था इसीलिए, फिर डिवाइडेड बाय ये पाई बाय 6 था, पाई बाय 6 के लिए ये वैल्यू निकल के आ रहा था, जब डिवाइड करोगे इसके साथ फिर इक्वल सिंबल दोगे, फिर उसके बाद क्या टाइप करोगे, साइन टाइप करोगे इसके लिए, इस वैल्यू के लिए, तो क्या निकल के आएगा, 0.5 निकल के आएगा। ठीक है, तो ये कब आएगा, जब आप रेडियन पे रखोगे इस बबल को, देखो यहाँ पर आर आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, आर आ रहा है, ये क्या डिफाइन करता है, ये होगा आपका रेडियन। ठीक है, अब सही है, ये क्या था, गलत था, क्योंकि यहाँ पर डी था, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम, यहाँ पर डी रख रहे हो, ये सही है, इसको करना था। तो यहाँ तक स्टोरी खत्म हो चुकी है। ठीक है, ऐसे करके आप साइन इनवर्स भी कर सकते हो। ठीक है, साइन इनवर्स ये कर सकते हो, 0.5 जो होगा आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, कर सकते हो, देखो करता हूँ मैं 0.5 क्या करूँगा, फिर उसके बाद साइन इनवर्स करूँगा, जब साइन इनवर्स करूँगा तो ये निकल के आएगा, साइन इनवर्स के लिए जब मैं करूँगा तो क्या निकल के आएगा मेरा, देखो यहाँ पर ए साइन आर 0.5, इसके लिए क्या टाइप करूँगा, पहले 0.5 टाइप करूँगा, फिर उसके बाद क्या टाइप करूँगा, फिर इसके बाद टाइप करूँगा साइन इनवर्स। ओके, फिर इसके बाद वैल्यू क्या निकल गया, 0.523 ये निकल के आएगा, जब ये निकल के आएगा समझ लेना वो क्या है, वो है तुम्हारा पाई बाय 6, क्योंकि पाई बाय 6 में 0.523 है। तो इसको लेके ज़्यादा कन्फ्यूजन मत होना, साइन इनवर्स किसका, रेडियन के लिए ज़्यादा कन्फ्यूजन मत होना, क्योंकि साइन इनवर्स रेडियन में पूछेगा नहीं, हमेशा डिग्री में पूछेगा। ठीक है, अगर पूछता है तो। ओके, तो इसी के साथ हमारा कैलकुलेशन ख़त्म होता है। ठीक है, और एक्स्ट्रा चीज़ क्या बच गया, एक्स्ट्रा चीज़ बच गया, जैसे परसेंटेज बच गया, परसेंटेज बच गया, आपको निकालना होगा 20% ऑफ 150, इसकी कैसे आंसर निकालोगे, पहले क्या टाइप करोगे, पहले टाइप करना 20, उसके बाद क्या टाइप करना, उसके बाद ये टाइप करना, फिर उसका ब्रैकेट देना, फिर 150 देना, फिर ये देना, फिर इसको टाइप इक्वल कर देना। ठीक है, मैं करता हूँ फिर बताता हूँ, 20 फिर उसके बाद परसेंटेज टाइप किया, फिर उसके बाद क्या टाइप करूँगा, 150 टाइप किया, फिर उसका इक्वल दे दिया, आंसर क्या निकल गया, 30।
ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, नॉट मच इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, ओके परसेंटेज के लिए. तो आंसर निकल गया 130 निकल गया. ठीक है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, उसके बाद y टू द पावर x, एक्स क्यू एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर y, सब बता चुका हूँ. e टू द पावर x, टेन टू द पावर x, log ln log 2x, और उसके बाद साइन cos tan, साइन इनवर्स cos इनवर्स tan इनवर्स, और जितने भी सारे फंक्शंस हैं जैसे कि बाइनरी फंक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, उसके बाद परसेंटेज, इनवर्स भी बता चुका हूँ, 1/x इसके बारे में बता चुका हूँ, 1/ इनवर्स के बारे में बता चुका हूँ. फिर उसके बाद परसेंटेज, परसेंटेज के बारे में बता दिया. फिर उसके बाद ई एक्स पी इतना ज़रूरी नहीं है. ई टू द पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल आपको पता है. हाँ, दो चीज़ रुक गया था, वो क्या है, वो आपका है पाई और ई, पाई और ई, पाई तो बता दिया था, ई के बारे में बता देता हूँ. ई आपका एक्सपोनेंशियल है, उसकी वैल्यू क्या निकल गया, 2.718 निकल गया. फिर राउंडिंग अप करोगे क्या निकल गया, 2.72 निकल गया. ठीक है, इसका कुछ इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है. ई टू द पावर एक्स का यूज़ है, ई मतलब ई टू द पावर वन. ठीक है, ई टू द पावर वन की वैल्यू आपको पता है, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकल गया था 2.72, ये निकल के आ गया. ठीक है, आई होप कि अभी आप कर सकते हो. और उसके बाद एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल मान के चलो, आपको पता है कि एन फैक्टोरियल जब होता है तो मान के चलो कि सपोज मैंने आपको 5 फैक्टोरियल दे दिया, कुछ दिया, क्या करते हो, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 तक लेके जाते हो, है ना. तो जो निकलता है वो आपका आंसर होता है. क्या निकलते हो, 5 × 4 क्या था, 20 × 3, 60 × 2 कितना होता है, 120, है ना. तो डायरेक्टली क्या टाइप करोगे, 5 एन फैक्टोरियल, तो क्या निकल गया, फैक्ट, फैक्ट 5.0, आंसर निकल गया 120. ये था हमारा. ठीक है, फैक्टोरियल का भी इतना भी ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो सब कर सकते हो, सब कर सकते हो, इसमें कोई छूटा नहीं. एक चीज़ छूट गया है, वो है ये, वो है ये आपका, ये मॉड है, ये मॉड की तरह दिख रहा है, लेकिन कैलकुलेटर के हिसाब से ये क्या है, एब्सोल्यूट है. एब्सोल्यूट क्या मदद करता है, अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव में है, इसकी वैल्यू टाइप कर देना, ये टाइप कर देना, तो वैल्यू किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा. और भी एक चीज़ बताया था, अगर वैल्यू आपकी नेगेटिव में है तो उसमें क्या सिंबल टाइप कर सकते हो, प्लस माइनस सिंबल टाइप कर सकते हो, तो वो नेगेटिव किस में बदल जाएगा, पॉजिटिव. बाय डिफॉल्ट इसको टाइप करोगे तो हमेशा वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव में बदलेगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव में बदलेगा, लेकिन हमेशा इसको टाइप करोगे तो क्या निकल के आएगा, हमेशा ये पॉजिटिव निकल के आएगा, इस वैल्यू को टाइप करोगे, ये ध्यान रखना. और हमने सब कुछ बता दिया, इसमें कुछ बचा नहीं है, कुछ भी बचा नहीं है. ठीक है, कुछ भी बचा नहीं है, सब हमने बोल दिया इसमें. और मुझे लगता है कि अभी उसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए. अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाओ, डाउट पूछो, और मैं आपको एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से आप आरके गिरी क्लास में जुड़ सकते हो टेलीग्राम के थ्रू, वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे जुड़ जाओ, डाउट पूछो. मैं कुछ असाइनमेंट्स आपको दे दूंगा, छोटे मोटे क्वेश्चंस का, 5-6 क्वेश्चंस का आपको असाइनमेंट दे दूंगा, जो कि एक्चुअल में एग्जाम में फेस करते हो, जिस टाइप के क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन दे दूंगा. आई थिंक ये 4 लेक्चर, अगर आप नए हो तो फिर 4 लेक्चर को देख लेना, इस लेक्चर को देख चुके हो, पिछले वाले 3 लेक्चर को देख लेना, और हर वीडियो का एंड तक देखना, और ज़रूर इस चैनल को फॉलो करना आरके गिरी क्लासेस, और इसको शेयर करना. आगे चलकर हम इसको लेके यूज़ करेंगे हमारे फिजिकल वाले पोर्शन में. इसके बाद मैं फिजिकल स्टार्ट करने वाला हूँ. आपके कमेंट देना कि आपके कौन से फिजिकल क्या यूनिट अगर चाहते हो तो मैं स्टार्ट करूँ. बेसिकली मेरे दिमाग में है कि मैं केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करूँ. जुड़े रहना इस चैनल के साथ और इसको ग्रो करेंगे साथ मिलकर और कोऑपरेशन के साथ. टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, बेटर होगा. और आई होप कि यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड यू लाइक दिस वीडियो. तो शेयर करना दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड थैंक यू वेरी मच.